Hello friends, welcome to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are well. Please आप अपने आप को hygiene रखना, okay? So please take care, be healthy. आइए हम आज के topic के बारे में discuss करते हैं. आज का topic है the wise jackal and the lion. और ये है एक story with great moral value. And obviously it is very short story and written in very smart way. I'm damn sure you will like this. So let's we start to read this. Once there lived a jackal and his wife with their two children in a cave. एक समय की बात है कि एक जैकल अपने दो बच्चों और वाइफ के साथ एक केव में, that means गुफा में रहता था. A monkey came and asked to vacate the cave as he himself wanted to live in it. एक मंकी आया, उसने जैकल को कहा कि इस केव को खाली कर दो, इस गुफा को खाली कर दो, क्योंकि वह मंकी उस गुफा में रहना चाहता था. द जैकल रिफ्यूज्ड टू ओब्लाइज हिम. जैकल ने उसका कहा मानने से इनकार कर दिया. द मंकी थ्रेटन्ड टू गेट हिम एंड हिज फैमिली किल्ड बाय अ लायन एंड वेंट अवे. तो मंकी ने ऐसे में उसको धमकी दी कि अगर उसने ये गुफा खाली नहीं करी तो वह लायन को बुलाएगा और उसको और उसके फैमिली को लायन का शिकार बना देगा, लायन से मरवा देगा. The jackal kept watching outside through a hole in the wall of the cave. तो जैकल जो था वो अपनी केव के बाहर, अपनी गुफा के बाहर एक होल से बाहर की साइड देख रहा था. He saw a lion and the monkey coming. उसने देखा कि एक लायन और मंकी आ रहे थे. He understood that the monkey had brought the lion to carry out his plan. वह समझ गया कि जो मंकी ने धमकी दी थी कि वह लायन को लाएगा और सबको मरवा देगा, तो वो अपनी धमकी पे काम कर रहा है, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और वो लायन को इसलिए ला रहा है ताकि वो पूरी जैकल की फैमिली को खा ले. ही थॉट ऑफ ए क्लेवर मैचिंग स्ट्रैटेजी. अब उसने इसी से मिलती जुलती एक क्लेवर स्ट्रैटेजी बनाई. एज प्री प्लान्ड द जैकल सैड टू हिज वाइफ विद ए लाउड वॉइस. जैसे कि पहले से ही प्लान था, जैकल ने अपने वाइफ को तेज वॉइस में कहा, सो दैट इसलिए कि द लायन कुड हियर इट. इसलिए कहा तेज वॉइस में ताकि लायन जो है वो सुन ले. वाई आर द चिल्ड्रन क्राइंग. बच्चे क्यों रो रहे हैं. दे वॉन्ट टू ईट ए लायंस मीट. तो उसकी वाइफ ने कहा कि ये जो है एक लायन का मीट खाना चाहते हैं. शी रिप्लाइड. उसने जवाब दिया, टेल दैम दैट आई हैव सेंट ए मंकी टू ब्रिंग अ लायन सो दैट वी मे किल हिम एंड ईट हिज फ्लैश. तो इस पर जैकल ने कहा कि उन्हें कहो कि हमने एक मंकी को भेजा है लायन को लाने के लिए, जैसे ही लायन आएगा हम उसको मारेंगे और हम अपने बच्चों को उसकी फ्लैश दे देंगे. दैट मीन्स उन्हीं की धमकी उन्हीं को दे मारी जैकल ने इस बार बहुत ही वाइजली, क्योंकि जैकल ऑब्वियसली टाइटल के अकॉर्डिंग भी बहुत वाइज है, बहुत बुद्धिमान है. व्हेन द लायन हियर्ड दैट. जब लायन ने यह सुना, ही थॉट दैट सम जायंट्स लिव इन द केव. जब उसने सुना तो उसने सोचा कि कुछ जायंट्स जो हैं वो गुफा में रहते होंगे, रहते थे. ही थॉट द मंकी हैड बीन सेंट बाय देम टू ट्रैप हिम. उसने सोचा कि मंकी को उन्हीं के द्वारा भेजा गया है ताकि वो उसे जाल में फंसा सके. ही किल्ड द मंकी एंड टुक टू हिज हील्स. उसने मंकी को मारा और वहाँ से भाग गया. एंड द मोरल इज विजडम इज स्ट्रॉन्गर देन मोर स्ट्रेंथ. सॉरी मेयर स्ट्रेंथ. विजडम इज स्ट्रॉन्गर देन मेयर स्ट्रेंथ. जो विजडम है, जो बुद्धिमता है, वो हमेशा बल से ज्यादा स्ट्रांग होती है. आइए इसको दोबारा से रीड कर लें. इस बार सिर्फ इंग्लिश में रीड करेंगे एंड थोड़ा सा फोन हिल रहा है, सो सॉरी फॉर दिस. एक्चुअली मैं साथ ही में रीड कर रही हूँ, साथ ही में मैंने फोन पकड़ा है. आइए इसको फटाफट से रीड कर लें. द वाइज जैकल एंड द लायन. वंस देयर लिव्ड अ जैकल एंड हिज वाइफ विद देयर टू चिल्ड्रन इन ए केव. A monkey came and asked them to vacate the cave as he himself wanted to live in it. The jackal refused to oblige him. The monkey threatened to get him and his family killed by a lion and went away. The jackal kept watching outside through a hole in the wall of the cave. He saw a lion and the monkey coming. He understood that the monkey had brought the lion to carry out his plan. He thought of a clever matching strategy. As pre-planned,
the jackal said to his wife with a loud voice so that the lion could hear it, "Why are the children crying?" "They want to eat a lion's meat," she replied. "Tell them that I have sent a monkey to bring a lion so that we may kill him and eat his flesh." When the lion heard this, he thought that some giants lived in the cave. He thought the monkey had been sent by them to trap him. He killed the monkey and took to his heels. Moral: wisdom is stronger than mere strength. Thank you so much for watching. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. And please, आप लोग घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? घर के अंदर ही रहना. ये वीडियो अगर आपको अच्छी ना लगे तो और वीडियोस देखना. लेकिन घर के बाहर मत निकलना, घर पे ही रहना, घर में ही स्टडी करना, घर में ही खेलना. बाय, टेक केयर.